नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, इन द सेंस जो कहीं ना कहीं अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या ग्रेजुएशन फाइनल करके इधर उधर भटक रहे हैं, अपने सपनों की तलाश में हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनका सपना होता है बचपन से, वो इतना तो जानते हैं कि IAS और PCS ये सुने होते हैं, ये उनको कहीं ना कहीं सुना होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि IAS और PCS जो है ये कैसे किस एग्ज़ाम के थ्रू बना जाता है, ये क्या कोई पोस्ट है या एग्ज़ाम है, उनको ये भी नहीं पता होता है। देखो, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे होते हैं कई बार मुझसे मैसेज से, फ़ोन से बच्चे पूछें कि सर मुझे UP PCS में, चाहे मुझे PCS की तैयारी करना है तो मैं कैसे करूं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो उन बच्चों के लिए मैं खासकर ये सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में मैं बताऊंगा कि जो आपका IAS होता है और जो PCS होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसकी एग्ज़ाम प्रणाली क्या है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे एकदम नहीं जानते हैं और उनका सपना कहीं ना कहीं ये है कि मुझे क्या बनना है, PCS अधिकारी बनना है, IAS अधिकारी बनना है, तो वो कैसे इसमें आ सके, इसी के संदर्भ में हमारी टीम ने परीक्षा प्लस में एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो चुका है और उस रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप उस बैच में इनरोल होना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करो, उसे फिल करो और उसे सबमिट कर दो, ताकि हम तक वो आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाए और हम जान सके कि कितने नए बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिनका मकसद है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, चाहे स्टेट का हो चाहे आपका सेंटर का हो। तो हम एक बैच बनाएंगे जिसमें आप ही जैसे लोग जो एकदम नए होंगे स्टूडेंट और एकदम बेसिक से, क्योंकि उसका नाम ही है फाउंडेशन बैच, मतलब बेसिक से आपका स्टार्ट किया जाएगा, पूरा कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा एक एक करके कि कोर्स में आपका क्या क्या है, उसको कैसे हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज उसी सेशन का ये एक पहला लेक्चर है, जिसके तहत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशन बैच है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, किसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक कौन कौन से फेज होते हैं, कितने फेज हमें क्रैक करके हमें आगे बढ़ना है। अरे देखो, जो ये एग्ज़ाम की आप लोग सोच रहे हो प्रिपरेशन करना, ये कहीं ना कहीं आपका जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनमें से होता है। अगर हम IAS की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होता है, वहीं सेंट्रल में आ जाते हैं तो चीज़ें वहीं होती है। वो IAS आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो होता है सेंट्रल लेवल पे होता है, कि प्रशासनिक सेवा में आप सेंटर पे काम करोगे। स्टेट की हम बात करें तो वही प्रशासनिक सेवा में आप स्टेट लेवल पर काम करोगे, ठीक यही डिफरेंस होता है चीज़ों में, पावर का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा यहाँ पे होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। और कुछ स्टेट ने क्या किया है कि आपके जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, सेम हू बहू आपका स्टेट में भी लागू कर दिया है। तो जिससे तरह से कहा जाए कि 2018 से ये प्रणाली UP में भी बदल गई, ठीक है, वहाँ पे भी पूरी की पूरी तरह UPSC जो आप जानते हो, जिससे IAS बना जाता है, ठीक है, वो एक जॉब प्रोफाइल है IAS, जिसको कौन कराता है, UPSC कराता है, वैसे ही UPPSC जो होता है आपका वो PCS का एग्ज़ाम कराता है। तो उसके बारे में हम आज जो बात करेंगे वो PCS के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो PCS से लेकर है, ठीक। तो उसी से रिलेट करेंगे कि हम आपको IAS में भी कि कैसे आपका फ़ायदा मिलेगा वो चीज़ें IAS में भी, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपको कहाँ और जो है एफर्ट पुट करना है अगर आप IAS की सोच रहे हो तो, ठीक। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम प्रणाली की, कि कौन कंडक्ट कराता है। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये जो है आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। साल में आपका एक बार ये एग्ज़ाम होता है, फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, आप लोग फॉर्म फिल करते हो। इसमें जो मिनिमम आपका बोला जाए कि क्या क्या अर्हता होना चाहिए आपके लिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी पोस्ट के लिए, तो इतना जान लो कि अगर आप PCS के लिए अप्लाई करना चाहते हो
तो टीसीएस के लिए आपको कुछ नहीं, टॉपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलता कि भैया आप 70% पाए हो किसमें, ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम आपका ये होना चाहिए कि आप एज, एक तो एज का लिमिट होता है इसमें कि आप 21 साल से ऊपर हो, ठीक है, 21 से लेकर 40 साल तक होता है। अपर तो ना पूछो, मिनिमम ये होना चाहिए कि आप 21 साल के हो और आप क्या किए हो, ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर लिया हो, ठीक है। और ये भी कोई परसेंटेज का लोचा नहीं है। कई देखते हो एग्जाम एग्जाम होते हैं, जैसे बीएड वीएड का आपका एग्जाम होता है, उसमें कहता है 50% चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोलता है, ये आपका प्रशासनिक सेवा है। यहाँ सबको ऑफर दिया जाता है कि आप अपने मेहनत से, कितना आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, ठीक है, टॉपर वो नंबर और दूसरी बात होती है, ठीक, आप मेहनत कितना अच्छे से कर ले जाते हो और इस एग्जाम को क्रैक करते हो। तो ऐसा है, कई उदाहरण मैं दूंगा, ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 12th भी फेल थे, उसके बाद पास होने के बाद वो एसडीएम तक गए हैं। ग्रेजुएशन में उनका आपका जस्ट पास परसेंटेज है, 40% है, 35% है, वो अच्छे रैंक पर पहुंचे हैं, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं सोचना है अपने आप को कभी भी कम, कि मेरे तो ग्रेजुएशन में इतने कम मार्क्स आए, मेरे हाई स्कूल में इतने कम मार्क्स आए, मैं पढ़ने में ऐसा हूँ। ये सिर्फ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में जब उतरते हो तो आप कितना मेहनत करते हो, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करते हो, आपको कितना अच्छा गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो मेन क्या होना चाहिए कि आपका एज जो होना चाहिए वो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, और मतलब 21 कंप्लीट होना चाहिए और एक ऊपर भी चलेगा आपका, 21 से लेकर 40 तक का, ठीक। ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। मिनिमम कितना परसेंट, 37% मार्क्स, जो आपका पासिंग परसेंट होता है ना, ठीक है, अगर आप ला दिए हो ग्रेजुएशन में तो आप आईएएस पीसीएस सबका फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगता है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। जब फॉर्म आता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि मांगता नहीं है, उसमें कई पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए मांगता है, मगर आपके कई पोस्ट जो एसडीएम जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, डिप्टी एसपी, उन सब के पोस्ट के लिए आपका यही मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक, ये आपके पास है, तो आप पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका मिनिमम हो गया। अब ये आयोग जो है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है, इस एग्जाम को साल भर में आपको कराता है और 3 फेज में कराता है, ठीक है। इसके कितने फेज होते हैं एग्जाम होने के, 3 फेज होता है। पहला आपका जो एग्जाम होता है ये प्री टेस्ट कराता है, ठीक है। पहला जो आपका होता है वो प्री एग्जाम होता है, ये एक तरह से बोला जाए तो ये छटनी टेस्ट होता है। यहाँ पे बच्चों को छाटा जाता है, इसके मार्क्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके फाइनल सिलेक्शन पे, ये ध्यान दो। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि अगर आप इसे एग्जाम को क्वालिफाइंग कर लिए तो आपको मेंस लिखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होता है, ये ध्यान रखो, ठीक। इस मेंस को हम बात करें 2017 में, तो 2017 में ही इस मेंस में आपके जो पेपर होते थे वो ऑप्शनल होते थे, टिक मारने वाले, जैसे आपके प्री में होते थे। लेकिन 2018 से ये पैटर्न यूपीएससी का लगा दिया, संघ लोक सेवा आयोग का लगा दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, मतलब अब आपको लिखना है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में क्या करते हो, जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग लिखते हो, कॉपी भरते हो खूब अच्छे से, तो वो कॉपी भरना है लेकिन एक लिमिट में भरना है, अच्छी चीज़ों का, मतलब जो आपका नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में कुछ लोग होते हैं कि लास्ट दिन वो छोटी सी पतली सी किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं और जो मन में आए वो अपना बीए आपका बीकॉम में एग्जाम में लिख के चले आते हैं और पास हो जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा एफर्ट पुट करना है, आपको जो पॉइंट पूछ रहा है उसी से रिलेटेड इरिलीवेंट कंटेंट आपको नहीं लिखना है। इस साल से 2019 में आपका जब फॉर्म आया था, तो 2020 में, ठीक है, 2020 में प्री में जब फॉर्म आया तो उसने बोल दिया कि आप इरेलीवेंट कुछ भी डालते हो अपने उसमें, उल्टा सीधा लिखते हो तो आपके माइनस मार्किंग हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना। तो वही चीज़ हमें ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर देना है। तो चलो हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे बाद में। तो ये प्री एग्जाम होता है, इसमें आपका मार्क्स का कोई मतलब नहीं, जो आपका कट ऑफ बनता है उतना अगर आप पा गए हो, जैसे मैं कहूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन का होता है, ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर 150 क्वेश्चन आप है आपका, इसमें से अगर आप
90 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जाता है कि अगर आप 90 क्वेश्चन सही सही किए हो तो आप प्री क्वालिफाई हो। मैं ले रहा हूँ एक, यही जाता है अप्रोक्स 90, 92, 95, यही आपका कट ऑफ बनता है। तो अगर आप 90 कर लिए हो ठीक, अब कोई बच्चा 95 किया हो चाहे 110 किया हो कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं। आप अच्छी स्ट्रेटेजी से 90 क्वेश्चन सही करके आए, 92 क्वेश्चन जितनी कट ऑफ गई है तो समझ लो आप सेलेक्ट हो। आप मेंस में मेहनत करना है, मेनली फोकस किसके लिए होना है आपको, मेंस के लिए होना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही कराता है। और तीसरा फेज जो होता है ये इंटरव्यू होता है ठीक। पहले ये 200 का होता था, अब इसे 100 मार्क्स का कर दिया गया, इसकी भी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही समझ लो। अगर आप इस पोर्शन पे सेकंड नंबर पे अच्छी मेहनत कर लिए हो ना मेंस में, 1500 मार्क्स का होता है ये, अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लिए हो, अगर इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, जाके सिर्फ वहाँ बैठ जाओगे और मुड़ी हिला दोगे ना, तो मिनिमम मार्क्स तो आपको वो इंटरव्यूअर देगा ही देगा चाहे कुछ भी हो जाए, इतना जान लो ठीक। तो इसका कोई मतलब नहीं है 100 नंबर में, आपको 25-30 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप कुछ भी ना बोलो, खाली मुड़ी हिला दो, अपना नाम, गाँव, पता, पिताजी का नाम सब बता दो, और साथ ही साथ सॉरी कहना बन जाओ कि अगर कुछ भी नहीं आता तो सॉरी सर इसका नहीं आ रहा है। सिर्फ अब मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे ठीक। अगर यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं है आपके, यहाँ कुछ भी आप बता दो, 60-70 नंबर पा जाओ, तभी भी आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं बच्चों के ठीक। तो ये ध्यान रखना कि हमें फोकस किस पे होना है, मेंस पे होना है। इसीलिए हम जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो प्री कम मेंस है, मतलब आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कराई जाएगी, ध्यान देना। चलो तो ये तो बात हो गई 3 फेज की आपके एग्जाम की, 3 फेज में आपका एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम में पूछता क्या है बच्चों को, ये मेन तो ये सर जी आपने बता दिया, इस एग्जाम में आता क्या है, हम कैसे तैयारी करें, चलो एक एक करके देखते हैं कि हम प्री के लिए क्या पढ़ें कि हमारा प्री निकल जाए, मेंस के लिए क्या पढ़ें कि हमारा मेंस निकल जाए। इंटरव्यू की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये तो छोटा मोटा चीज़ है ठीक है, इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं पढ़ना आपको, इतना जान लेना। चलो तो आज देखते हैं प्री के बारे में ठीक है। ये प्री में आपका 2 पेपर होता है, ये ध्यान रखना। पेपर एक जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, सामान्य ठीक है ज्ञान का होता है आपका। अब इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन आपका आता है, 200 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका बोला जाए तो 1.33 के अप्रोक्स होता है ठीक है। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है और 1/3 नेगेटिव होता है ठीक, 1.33 का 1/3 आपका निगेटिव। अगर आप कोई गलत करते हो तो आपका 1/3 आपका कट जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए अब जो पेपर 2 होता है ये दूसरी पाली में होता है, ये सुबह के शिफ्ट में होता है, 9:30 के लमसम से स्टार्ट होता है पेपर जब भी आपका होगा, और ये सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, ये भी 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं ठीक है। और सेम चीज़ इसमें भी 1/3 निगेटिव होता है। अगर हम आईएएस की बात करें ना यहाँ पे, तो वहाँ भी सेम यही 2 फेज होते हैं, पहला पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें यहाँ जो 150 क्वेश्चन देख रहे हो वहाँ 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ठीक है। और पेपर 2 की बात करें तो वहाँ भी सीसेट कहलाता है, पेपर 2 जो होता है सीसेट कहलाता है, जिसे हम बोला जाए तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई मतलब हमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं ठीक है, 33% मार्क्स लाने होते हैं, 200 का 33% मार्क्स हमें लाना होता है, मतलब 100 में अगर 33 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हो तो आप इसे क्वालिफाई कर लो। और इसका कहीं भी जो आपका होता है जब इसकी मेरिट बनती है प्री की, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है सीसेट का, ये ध्यान रखना। और यही चीज़ आपका आईएएस में 80 क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना ये 80 क्वेश्चन कम होता है ठीक, 200 मार्क्स का मार्क्स वही रहेगा, 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स का ठीक, 2 घंटा आपको मिलेगा। तो ये आईएएस में ऐसे 2 होते हैं, मगर मैं पीसीएस फोकस बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो तुम लोग, मैं पीसीएस पे ही बताऊंगा, ये पीसीएस का है ठीक। ये सीसेट का पेपर होता है जो क्वालिफाई करना होता है, मतलब 100 में से अगर आप 33 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। इसमें बच्चे ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो यार, तो इतने इसमें आसान आसान आते हैं, 20 हिंदी आ जाता है ठीक है, 20 रीजनिंग क्वेश्चन आता है। जो बच्चा ये भी सोच रहा है कि किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी जॉब में है जैसे कांस्टेबल है वो, चाहे किसी और जॉब में लेखपाल है और वो बनना चाहता है आपका पीसीएस अधिकारी, अगर उसे भी इस लाइन में जाना है तो
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसे, उसे पहले तो प्री के लिए फोकस होना है कि हम कैसे निकाल लें, फिर मेंस के लिए जब मेहनत थोड़ा है ताबड़तोड़ आपको करनी है, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। तो इन सब के लिए हम फाउंडेशन बैच में आपको गाइड करते रहेंगे और आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलो तो यहाँ देख लो, ये 150 क्वेश्चन है। इस 150 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, हम कितना क्वेश्चन कर ले, मैंने बताया ना आप 90 से लेकर 95 तक के क्वेश्चन अगर आप सही करते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है इसमें आपको इतना कंपलसरी है कि आपको 33 क्वेश्चन 100 में से करना है करेक्ट करेक्ट। अब बता देते हैं यहाँ बच्चे क्या होते हैं, कभी धोखा खा जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और इसकी थोड़ा सा भी लास्ट मोमेंट में भी तैयारी करके नहीं जाते हैं तो सीसेट में फेल हो जाते हैं और यहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाते हैं क्योंकि उनको जानते हैं कि यहाँ से मेरिट बनेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ढिलवाई कर देते हैं जहाँ से उनका क्या हो जाता है, दिक्कत खड़ा हो जाता है। तो वो भी आपको ढिलवाई नहीं करना है, आपको समय समय पर पूरे फाउंडेशन बैच में ये बताया जाएगा कि आप सीसेट के लिए क्या करो, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको यहाँ 33 क्वेश्चन करना है तो आपको कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसमें आराम से सही हो जाएंगे 33% आपके, ठीक। तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। लास्ट मोमेंट में अगर 15 दिन भी पढ़ लेते हो तो सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। हमें प्री के लिए अगर दिमाग लगाना है तो वो कहाँ कहाँ लगाना है, किस किस सब्जेक्ट पे फोकस होना है कि हमारा प्री निकल जाए। तो चलो उससे देखने से पहले हम कुछ प्रीवियस पेपर की एनालिसिस देख लेते हैं ताकि जो बच्चे अगर इस बार ये वीडियो देख रहे हैं और 2000 आपका 20 वाला प्री देने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में भी हो जाए, अगर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तो वो भी जान जाएं कि हमें क्या क्या हम पढ़ लें लास्ट मोमेंट में, किसे किसे हम रिवाइज कर लें कि हमारा ये क्रैक हो जाए प्री एटलीस्ट, मतलब इतना हो जाए कि अगर उन्हें नहीं कॉन्फिडेंस है तो ये वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने सही बताया है कि अरे यार हमने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन लास्ट मोमेंट में हम उसे कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे कंप्रेस करें चीज़ों को, ठीक। तो वो कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, एनालिसिस मैं आपको सामने ले आया हूँ, जब 2019 का पेपर हुआ था दिसंबर में 15 तारीख को, वो देख लो। उसके बाद से हम उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखो तो कुछ ये था आपका आपका पेपर था, ये जो 2019 में हुआ था पेपर 15 दिसंबर को, डेट भी लिखा हुआ है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा था। 2018 की बात करें तो वहाँ थोड़ा स्टेट्स लेवल से क्वेश्चन, यूपी जो आप लोग पढ़ते हो अदर एग्जाम के लिए काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आता है, वो आया था 2018 में। लेकिन 2019 में ये पूरी तरह यूपीएससी को फॉलो किया तो यहाँ से यूपी का क्वेश्चन सिर्फ मात्र एक मिला था, वो भी करेंट रिलेटेड था, ठीक है, मात्र एक क्वेश्चन, ठीक। तो वो चीजें कई चीजें जो है हटा दी थी, तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार हट गया तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें हम 100% किसी के बारे में नहीं कह सकते कि किस पोर्शन से कितना आएगा, लेकिन हम एक एनालिसिस से इतना बता सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस होना है। देखो जैसे आपके सामने एनालिसिस है, हिस्ट्री, हिस्ट्री आपकी कितनी आती है 25 से 27 क्वेश्चन, ये ध्यान रखो, तो हमें हिस्ट्री पे फोकस होना है क्योंकि वेटेज इसका देख रहे हो ज़्यादा है प्री के लिए। अभी जो लास्ट मोमेंट में जो बच्चे तैयारी किए होंगे उनको हिस्ट्री आती होगी, और हिस्ट्री में अगर उनको क्रैक करना है ये एग्ज़ाम तो इसमें खासकर किसे मॉडर्न इंडिया जो होता है आधुनिक इतिहास जो आपका है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंशियंट पहले होता था ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे 17-18 के बाद से देखा जाए तो एंशियंट के क्वेश्चंस कम होने लगे हैं, तो एंशियंट के आपके बहुत मिलते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और मेडिवल को आप थोड़ा वेटेज दे रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था आपका 50% मॉडर्न होता था और 50% आपके क्या होते थे एंशियंट और मेडिवल मिला के होता था, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत दोनों मिला के। तो अब क्या है कि प्राचीन भारत से पिछली बार 2019 में देखा गया तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके आए थे, और मॉडर्न से आपके 12 से 11 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक, ये आपका था, और 4 क्वेश्चन एंशियंट था। तो हम फोकस किस पे हो जाए, अगर मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर लें तो हमारा हिस्ट्री जो है अच्छा खासा हम स्कोर कर लेंगे, एंशियंट बहुत वॉस्ट है, अगर हम उसे पढ़ने बैठेंगे प्री के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम एंशियंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे एकदम, क्योंकि एंशियंट पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा हमें मेंस में करेगा, क्योंकि जीएस पेपर 1 आपका इसी पे डिपेंडेंट है, मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटी के देख लो, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और लिमिटेड इसका सिलेबस है,
ठीक है। और इसमें बच्चे एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ 100 पूरा पूरा क्वेश्चन करके आते हैं, कहीं फंसते नहीं है। 17 से 19 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको जितना पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन बैच में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ध्यान देना। ये 17 से 19 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको प्री क्रैक करना है तो किसको किसको उठाओ, इसका मॉडर्न और मिडेवल पोर्शन उठा लो अगर आपका एंशियंट उस समय तक नहीं तैयार है तो, और ये पॉलिटी उठा लो, और साइंस जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो भाई साइंस आसान है, उनके लिए साइंस आसान है और वेटेज भी अच्छा होता है। साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये साइंस टेक्नोलॉजी जो है ये आपके इस समय करंट में कितना चल रहा है, क्या है साइंस के फील्ड में, क्या क्या वर्क हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड होता है। जब आप करंट पढ़ेंगे तो आपका साइंस टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। ये जनरल साइंस आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको ज़्यादा इफर्ट नहीं करने आए, लास्ट मोमेंट में पढ़ लोगे तो आपके 25 से 27 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन तक सही कर ले जाओगे। और जो नहीं है साइंस बैकग्राउंड वो भी चिंता ना करो यार, आप एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा हमारा फाउंडेशन चलेगा, जब उसमें पढ़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कितना हमें क्वेश्चन करना है। आपको बता दिया जाएगा आप ये चीज़ें पढ़ लो, साइंस आपका कंप्लीट है, क्योंकि साइंस भी एक पूरा का पूरा इसका भी बंधा हुआ सिलेबस है, ऐसा नहीं उड़ा उड़ा के पूछेगा कुछ भी, ठीक। तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो। नंबर ज्योग्राफी आपको सबसे अगर देखा जाए रिसेंट में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा बनता है, और ज्योग्राफी में आपका हिस्ट्री की बात करें तो हमें यहाँ और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, वर्ल्ड भी पढ़ना होता है और इंडियन भी पढ़ना होता है। इन सबको मिला लेते हैं तो हमारा जो होता है ये 22 से 25 ले 25 से 27 तक जा सकता है, ये ध्यान रखते हैं, ठीक। तो ये पोर्शन भी अगर आप स्ट्रांग कर ले जाते हो, आप पढ़ ले जाते हो तो ये आपका स्कोरिंग होता है, ठीक। उसके बाद से आ जाओ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स। लास्ट मोमेंट में तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एकदम प्रिपेयर हैं और लास्ट मोमेंट में किस सब्जेक्ट पे फोकस हो, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में आप प्री देने एग्जाम जा रहे हो तो आप हिस्ट्री उठा के शुरू से फिर से पढ़ने लगो। सबसे देखो वेटेज देखा जाए तो इस करंट अफेयर का जो होता है हर एक एग्जाम में होता है, देखो 20 से 22 क्वेश्चन। चीज़ें आसान होती है आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपनी हैबिट डाल लिए हो, जैसे रमन सर कहते हैं कि करंट आपकी क्या होनी चाहिए, सुबह की चाय होनी चाहिए, तो अगर आप सुबह की चाय की तरह करंट भी रोज पढ़ते हो, मैगजीन को फॉलो करते हैं किसी को, तो ये 100% आप 20 22 क्वेश्चन में आप 19 से लेकर 18 क्वेश्चन तक सही कर ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है, डेली बेसिस पे आप सिर्फ वर्क करते हो तो ये 18 19 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ये आपका हो गया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये 18 20 22 नहीं होता है, और बता रहे हैं ये जो इकोनॉमिक देख रहे हो ना, ये इकोनॉमिक में 9 से 10 क्वेश्चन जो लिखा है ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, ये ध्यान देना 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी आपके जो इकोनॉमिक्स के होंगे वो रिसेंट के बजट के आर्थिकी जो आपकी मैगजीन आती है उससे रिलेटेड। तो ये दोनों मिला लिया जाए तो आपके 30 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आपके कहाँ से बन जाएंगे, करंट से बन जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं होना कि आप इकोनॉमिक के लिए मार पढ़ डाले हो उठा उठा के, सिर्फ मेंस के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, इकोनॉमिक के लिए, प्री के लिए नहीं होना है। करंट पढ़ लिए पूरा अच्छे से, हर चीज़ पढ़े हो उसकी, आर्थिकी भी पढ़े हो, हर चीज पढ़ा करंट से, तो वो आपका यहाँ भी इकोनॉमिक वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका करंट वाला भी पोर्शन हो जाएगा, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो। ज्योग्राफी का भी अगर हम देखें तो इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है, आपका अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से 60% आपके क्वेश्चन होंगे और 40% आपके कहाँ से होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे। तो अगर 60% आपने इंडियन ज्योग्राफी कवर किया है, वर्ल्ड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो भी आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने बोला साइंस टेक को अगर साथ में लेते हैं तो हो जाएगा। बाकी आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये छोटा सा पोर्शन होता है, 12 14 क्वेश्चन इससे भी आते हैं और ये जल्दी आपका लोग पूरा कर लेते हैं, क्योंकि समय सीमा भी तो है, आप साल भर का यार प्रिपरेशन कर रहे हो, 12 14 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, इतनी पतली नोट्स होती है आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ना है तो 12 14 में नहीं कुछ तो आप एक बार दो बार पढ़ लिए हो तो 12 14 में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना के चलते हो तो प्री आपका क्रैक हो जाएगा, कि हमें क्या क्या फोकस होना है, करंट पे फोकस होना है, ज्योग्राफी पे फोकस होना है और साइंस पे फोकस होना है। इतना कर लो यार, 30 ये हो गया, 20 यहाँ से हो गया, 50 50 और साइंस के 20, 70 और आपके पॉलिटी के 20, 90 100 पहुँच गए, मैं 95 95 95 की बात कर रहा था,
ठीक है। तो देखो सिर्फ हिस्ट्री भी छोड़ दिए तब तो, इतने पे अगर आप फोकस हो जाते हो, हिस्ट्री छोड़ भी देते हो तो आपका सिलेक्शन है। लेकिन जब सब पे आप थोड़ा थोड़ा पकड़ बना लेते हो तो यार सिलेक्शन क्या, तुम अच्छा खासा क्वेश्चन करके आओगे। जो मैं 90-95 की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग 110-115 करके आओगे अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी से हमारे हिसाब से चलते हो। ये रहा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस पोर्शन से आता है। अब कहोगे सर मुझे हिस्ट्री तो देखने में एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, बहुत लंबा सिलेबस होता है, हम क्या क्या पढ़े। तो देखो मैं बताता हूँ सिलेबस क्या है आपका प्री के लिए। प्री के लिए पहले पेपर के लिए, ये पहला पेपर है आपका, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाता है। पहले आपको लिखा है, मैं बोला कि मॉडर्न पे आपको फोकस होना है। देखो पहली लाइन में एक पॉइंट किया है कि राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र महत्व की, ये क्या है आपका, ये तो करेंट का है, ये करंट का पॉइंट है, इसीलिए मैं करंट पे आपको ज्यादा फोकस किया कि आपको करंट इशू आपका नेशनल हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी आपकी घटनाएं हैं उन सब पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये तो आपकी डेली बेसिस पे वर्क है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड पॉइंट देख लो, लिखा है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये देखो भारतीय राष्ट्र आंदोलन को एक अलग पॉइंट करके लिखा है, मतलब जाहिर सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। और यही आपकी मॉडर्न इंडिया है, यही क्या है आपकी मॉडर्न इंडिया है, और ये भारत का इतिहास जो दिखा है आपका, इसी में आपका एंशियंट और मेडिवल आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ मॉडर्न अच्छे से पकड़ते हो प्री के लिए, मगर हमें प्री कॉम्स मेंस करना है तो हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये अभी दिमाग में बना लेना कि नहीं सर बता रहे हैं तो हमें ये सब छोड़ना है। भारत एवं विश्व भूगोल, देखो यहाँ विश्व भूगोल पढ़ना है हमें, उसके भारत एवं विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सब कुछ हमें यहाँ इसमें देखना है। भारतीय राजनीति और शासन, ये पूरा का पूरा पॉलिटी है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये सब हमें पढ़ना है। संविधान क्या है, पंचायती राज क्या है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या है, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो है हमारे अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब देखना है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मतलब ये इकोनॉमिक के टर्म्स आ गए कि गरीबी क्या है, सतत विकास क्या है, ठीक, ये सब हम कहाँ से देखेंगे, आपके इकोनॉमिक से देखेंगे। मैंने बताया कि वही 3 से 4 क्वेश्चन इसी इसी पॉइंट से पूछता है, सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट से पूछता है, जनसंख्या से पूछ लेगा, ठीक, सामाजिक क्षेत्र में जो है आपके कौन कौन से इनिशिएटिव हो रहे हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के स्कीम जो है इकोनॉमिक्स में ही आएंगे, ये सब ठीक फायदेमंद है समाज के लिए, कौन से नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको वो करंट का ही इकोनॉमिक्स में पूछ लेता है। तो यहाँ से ये आर्थिकी जो आपकी होती है प्री के लिए वो करंट से कवर हो जाएगी। अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ठीक है, ये आपको कहाँ पढ़ना है, आपको नोट्स दिया जाएगा, ये आपका पूरा 10 से 12 क्वेश्चन जो आता है, ये पॉइंट देखो यहाँ दिया है, डिपिक्ट किया है, और सामान्य विज्ञान ये लिख दिया है। तो अब सामान्य विज्ञान में देखो केमिस्ट्री होती है आपकी, ठीक है, फिजिक्स होती है, और आपका क्या होता है, बायो होता है। तो सबसे ज़्यादा हमें किस पे फोकस होना है, बायो पे, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल नहीं होता, ठीक। तो बायो पे जब फोकस हो गया ना थोड़ा, तो बायो आपका थोड़ा इससे भी मिल जाएगा, पर्यावरण से मिल भी मिल जाएगा, इकोलॉजी से भी मिल जाएगा चीज़ें, तो इन सब मिला के अच्छा खासा क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। बायो से अगर हम बोलें केमिस्ट्री फिजिक्स की बात हटा दें तो 25-27 बोले थे ना, 25 से 27 क्वेश्चन, तो इतना जान लो कि इससे 5-5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन, ये 5 हो गया तो ये 7 रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपके बायो से रहेंगे। तो अगर हम बायो फोकस हो गए हैं तो हमारे ये साइंस पोर्शन अच्छा से हम क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा प्री का सिलेबस। साथ ही साथ इसमें ये भी पॉइंट किया है कि आपको यूपी का भी नॉलेज क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि 2019 वाले में पेपर में नहीं आया था कि हम यूपी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो यूपी की क्या आर्ट, कल्चर, जनसंख्या, सब ये सब कुछ थोड़ा आपको प्रशासन, यहाँ का सिस्टम, सब कुछ थोड़ा आना चाहिए। एकदम ये ना सोच लेना कि नहीं यूपी नहीं आएगा, यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम है तो आ सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब ये थोड़ा यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए खासकर यूपीएससी में, आपके यूपी पीसीएस में ये चीज़ें अब वो हटाने की सोच रहा है, मगर हम ये 100% नहीं कह सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो सीसेट पेपर होता है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मैं बताया आपका 2 घंटे में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, आसान आसान चीज़ें इसमें जो होती हैं, आप लोग जो 10th लेवल तक मैथ पढ़े हो वही आपका जो है इसमें करना होता है। उस पे अगर प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, SICI है, ये सब जो पढ़ते हो वही सब चीज़ें से रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन पूछता है। तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, वो आराम से कर ले जाओगे, आसान आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, बैंक और SSC वाला नहीं होता है, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होता है, एकदम आसान आसान सा, यहाँ टारगेट कर लिए आपका 40 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया,
आपको 33 क्वेश्चन तो करना है, 40 क्वेश्चन तो यही हो गया। चलो हम मान लें अगर दो दो क्वेश्चन गलत भी करते हो तो 18 दूनी 36 तो यहाँ हो गया। उसके बाद से आपका हिंदी होता है जो आप लोगों का चाहता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन, तो 20 में अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे। 20 इंग्लिश होता है, अब इंग्लिश अब सोच के ना होना सर जी इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे 20 इंग्लिश होता है, इतना जनरल इंग्लिश होता है जो आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़े हो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पैसेज होता है, देख लोगे पैसेज तुरंत आंसर लगाना लगा दोगे, तो वो सब 5 आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ें आसानी से निकल जाती है। एक नया इसमें होता है, एक होता है संप्रेषण, ये नया होता है। तो संप्रेषण कौशल के लिए आपको दिया जाएगा कि कुछ ऐसा होता है ना, इस क्वेश्चन कैसा होता है संप्रेषण का, डिसीजन मेकिंग टाइप का होता है, आपको दे देगा ऐसी स्थिति है तो इसके बारे में आप क्या सोचोगे। तो ये 20 क्वेश्चन इसका आता है। तो इसको अगर नहीं भी टच करते हो, और कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि संप्रेषण के, कि अरे यार ये तो जनरल चीजें हैं, तो इसका आंसर मार दोगे तो भी आप कर ले जाओगे 20 में, आपका 15 10 15 तो कर ही ले जाओगे, 10 आराम से कर ले जाओगे, ठीक। और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो गया तो आप अच्छा खासा कर ले जाओगे। इसीलिए बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि यार इसमें से 33% हमें मार्क्स लाना है, तो इसके लिए साल भर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 15 दिन परेशान हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, ये ध्यान रखो, ठीक। यही आपका हिंदी का जो है, मैंने बोला ना कि जो सीसेट आपका आता है तो उसमें हिंदी में क्या क्या पूछता है, वही जो आप लोग हमेशा हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो, छोटे स्तर एग्जाम के लिए जो पढ़ते हो, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना क्या है, वाक्य रचना क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, क्रिया क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, मुहावरा क्या है, तत्सम तद्भव क्या है, वर्तनी शुद्धि, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य बोलियों से पूछ लेता है, ठीक, गद्यांश उद्यांश आपसे पूछ लेता है, उससे रिलेटेड आंसर पूछ लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं जनरल से। तो ये आपका प्री से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि प्री में आपका सिलेबस क्या है, किस पे हमें फोकस होना है, ये मैंने एनालिसिस बता दिया कि अगर जो प्री पे फोकस होना चाहता है अभी 2020 वाला, तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए। अगर वो पढ़ा है तो ये नहीं कि नया बच्चे है और वो तुरंत इस स्ट्रेटेजी पे कर रहे हैं तो उससे क्रैक हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो स्ट्रेटेजी अपना लो, मुझे करंट पे भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसको अच्छे से इधर लास्ट के 1 महीने में जो बचा है हमारे पास दिन उन्हें रिवाइज करना है, ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस इनको हमें कवर करना है, हिस्ट्री जितना हमने पढ़ लिया पढ़ लिया, खासकर हम सिर्फ मॉडर्न रिवाइज करके जाएंगे, इतना ध्यान रखना। चलो अब हम आते हैं थोड़ा सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेन्स जो आपका एग्जाम होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, आप जब प्री क्वालिफाई कर लोगे तो मैं बताएं प्री का नंबर कहीं नहीं जुटता है आपका, वो आपका कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप सिर्फ मेरिट के लिए आप सेलेक्ट हो गए हो मेंस के लिए, वही बहुत है। अब मेंस का आप जब देखोगे तो मेंस में आपके ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑप्शनल जो है ना वैकल्पिक विषय जो आपका है इसका पेपर 1, ठीक है, ये 7 हो गया, एक 8, 8 नंबर में ऑप्शनल का पेपर 2 होता है, ऑप्शनल पेपर 2 होता है, ठीक। तो आपको यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब वैकल्पिक विषय क्या बोलोगे सर, कौन सा क्या होता है? तो वैकल्पिक विषय बच्चों ये होता है कि आप जो भी चाहे जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, अगर आपको लगता है कि मेरा इस विषय में इंटरेस्ट है, मैं इसमें अच्छा कर ले जाता हूँ, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, ठीक, चाहे IR हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आपका कोई भी मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर मैथ लेना चाहते हो, फिजिक्स लेना चाहते हो, केमिस्ट्री लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उस पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप इस ऑप्शनल में चूज कर सकते हो। ये आपके मनपसंदीदा जो होता है आपका मनपसंद कि आप किस पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले यही ऑप्शनल आपके 2 चूज करने होते थे, लेकिन 2018 से ऑप्शनल आपको 1 चूज करना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। शुरुआत किससे होती है? पहला पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी, ये कंपलसरी होता है UPPCS का, अगर आपको एग्जाम देना है तो यूपी के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, जनरल हिंदी आपको देना है। इसमें आपको जनरल हिंदी में वही सब है कि आपको गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, शुरू के 2 जो आपके होंगे वो गद्य होंगे, उसको आपको पूछा जाएगा, उससे 3 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि गद्य क्या जो है, शीर्षक क्या होगा, उससे पूछ उसके बाद से कुछ रेखांकित लाइन किया जाएगा, बोला जाएगा इसको आप अपने शब्दों में समझाइए, दूसरे वाले में आपसे इसी में
संक्षेपण मतलब उसी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांग लेता है कि अब पूरा ये जो पैराग्राफ गद्यांश दिया है इसको अपने शब्दों में इसका भावार्थ निकालिए, ठीक वो पूछ लेता है। उसके बाद से आपका जो उपसर्ग प्रत्यय दिया रहता है बोलता है इसका यूज करके आप शब्द बनाइए, ठीक उसका वाक्य बनाइए। लेटर पूछ देता है आपके गवर्नमेंट के जो लेटर होते हैं तो वो सब आपका सामान्य हिंदी में आता है। निबंध है, निबंध भी आपका लिखना होता है। तीसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, सामान्य अध्ययन का थर्ड पेपर और सामान्य अध्ययन का फोर्थ पेपर। ये चार आपके जीएस के पेपर होते हैं, ये ध्यान रखना, चार जीएस के पेपर होते हैं। और सात और आठ जो ये होता है ये वैकल्पिक विषय जो आप लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे उसके दो पेपर होंगे, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होगा। अब थोड़ा एक एक करके हम ये देख लेते हैं डिटेल में इसमें क्या क्या होता है। देखो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है कि आप क्या क्या लिख सकते हो। अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है आपको इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लेना चाहते हो वो ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, ठीक है फिलोसफी ले सकते हो, जियोलॉजी ले सकते हो, ये सब आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। स्टैटिक्स ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हो, अगर आपने लॉ किया है तो लॉ के सब्जेक्ट ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, मैनेजमेंट आपने MBA किया तो उसके सब्जेक्ट आप ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, ये सब सब्जेक्ट हैं इसमें आपके मेंस के हैं, काफ़ी आप सब्जेक्ट है। लिटरेचर भी ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी, ठीक है कोई भी लिटरेचर आप ले सकते हो। अब मेंस के हम देख लें कि पेपर कैसे कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं उसके पैटर्न को देख लेते हैं। तो पहले होता है आपका जनरल हिंदी जो मैंने बात किया, पेपर 150 मार्क्स का आपका होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। ये लिखित होता है पेपर, ये नहीं है अब ऑप्शनल वाला नहीं है कि चार ऑप्शन मिल गए, प्री में आपके चार ऑप्शन मिलते हैं उसमें टिक मारना होता है, MCQ के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ सब डिस्क्रिप्टिव है, आपके हिंदी में 150 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है, आपको लिखना होगा, ठीक है जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में अपनी कॉपियां लिखते थे ग्रेजुएशन की वैसे ही यहाँ पे ऐसे है। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 3 सेक्शन के डिवाइड में से आपके हर एक खंड में तीन तीन टॉपिक दिया रहता है, उसमें से हर खंड से एक एक आपको निबंध लिखना होता है 700 वर्ड में, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया 150 आपका है 3 घंटे में। आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो पेपर, लैंग्वेज मतलब किसी भी मतलब ये नहीं कि उर्दू फारसी में दे दो, इंग्लिश और हिंदी माध्यम आप जो चलते हो ना तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश मीडियम से शुरू करोगे, ये नहीं कि एक इंग्लिश में दे रहे हो एक हिंदी में दे रहे हो फिर एक इंग्लिश में दे रहे हो फिर एक हिंदी में दे रहे हो। एक बार आप जो चूज कर लिए मतलब जहाँ से मतलब जैसे आपको हिंदी है तो हिंदी में ही होगा, लेकिन जो ऐसे आपने लिखा इंग्लिश में लिखा है तो ठीक है, इंग्लिश में आप लिखे हैं तो आप जीएस पेपर 1 भी इंग्लिश में लिखेंगे, आप ये भी इंग्लिश में लिखेंगे तो ये आपको इंग्लिश में। अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हैं तो आप अपना माध्यम हिंदी रख रहे हो तो आप हिंदी में लिखते चले जाओ चीज़ें, ठीक। उसके बाद से आपका जीएस पेपर 1 आता है, ठीक है ये 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक। जीएस पेपर 2 आता है 200 मार्क्स का, सभी जो आपके होते हैं तीन तीन घंटे के होते हैं, सिर्फ ये दो पेपर जनरल हिंदी और ऐसे 150 150 मार्क्स का होता है, बाकी आपके 200 200 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल मिला के ये 1500 मार्क्स का आपका मेंस होता है। अब 1500 में जब आप मार्क्स पाते हो वही मेंस का कट ऑफ बनता है, और उस मेंस के कट ऑफ के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है मैंने जो बताया। तो 1600 में आपका एकदम फाइनल लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। जब 1600 में अभी जो आपका रिजल्ट आया ये 1600 में उन बच्चों का जो आपके कट ऑफ पार किए होंगे उनकी ये बन के लिस्ट तैयार हुई है, ठीक है। तो ये 1600 में आपका बनता है, ये 3 3 घंटे का पेपर होता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पेपर 1 क्या है जनरल स्टडी का, पेपर 2 में क्या पूछता है, पेपर 3 में पूछेगा आपसे वही सब चीजें जो आप प्री के लिए पढ़े हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्री कम्स मेंस, मतलब प्री के साथ साथ मेंस पढ़ना है अब हमें, ठीक है ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि पहला पेपर आपका ये जनरल हिंदी है, इसमें क्या क्या आपका आता है, मैंने बोला गद्य आपका दिया रहेगा उससे रिलेटेड आपका प्रश्न उत्तर रहेगा, साथ ही साथ मैंने बोला उसमें रेखांकित कर देता है कि इस लाइन का अपने शब्दों में अर्थ बताइए क्या होगा, साथ ही साथ संक्षेपण जो होता है वो पूछ लेता है, मतलब एक तरह से पूरा पूरा गद्यांश का वो क्या पूछेगा कि भावार्थ लिखिए अपने शब्दों में, ठीक। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आते हैं, दो लिखने होते हैं आपको, ये हिंदी का होता है। शब्द ज्ञान का प्रयोग आपका आता है, उपसर्ग और प्रत्यय में बताया आपको ढेर सारा दे देगा, बोलेगा आप इसका प्रयोग करके शब्द बनाइए, ठीक है। विलोम शब्द आता है, तीन कई दे देता है, पूछता है इसका विलोम बताइए, ठीक
वाक्यांश में के लिए एक शब्द जो पढ़ते हो आप लोगों, वर्तनी शुद्धि के लिए आता है, ठीक किया, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। और उसके बाद ये भी आता है कि वाक्य भी शुद्धि के लिए आता है कि इसमें से आप वाक्य जो शुद्ध हैं उनको बताइए कौन से, चाहे शुद्ध करिए, ये आ जाता है आपसे, ठीक। उसके बाद से मुहावरे हैं, लोकंतियाँ हैं, तो ये आपके क्या हैं, इनका बोलता है कि इनका अर्थ बताओ और इनको अपने जो बचपन में आप लोग करते थे हिंदी वाले में ये बोला जाता था ना कि इनका अर्थ बताओ और अपने शब्दों में प्रयोग करके बताओ, तो यही चीज़ यहाँ भी करना होता है। तो ये चीज़ें जनरल होती हैं, अब इतना हिंदी आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जानते हैं कि आप यहाँ के हो, तो इतना हिंदी आपको जानना है, ज़रूरी है ये चीज़ें, ये ध्यान रखो। आज और सेकेंड जो निबंध का फेज होता है, निबंध का जो फेज मैंने बताया आपको तीन खंड में होते हैं और तीन खंड के तीन तीन पार्ट होते हैं, खंड क, ख और ग होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं जिसमें एक साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड होता है, सामाजिक क्षेत्र से होता है और राजनीतिक क्षेत्र होता है। इन तीनों से आपके निबंध का टॉपिक दिया रहेगा, आपको इनमें से तीनों टॉपिक में से कोई एक चूज करना होता है, उस पर 700 वर्ड में लिखना होता है। इस वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है, इस बार से 2020 वाले में, 2019 वाले में जो मेंस अभी होने वाला है और 2020 वाले में जो होगा, इन सब चीज़ों में ये बातें कह दी गई हैं कि अगर आप वर्ड लिमिट या इररिलेवेंट कंटेंट लिखते हो तो आपके मार्क्स जो हैं कट दिए जाएंगे। ये आईएएस में होता था ऐसा, ठीक, ये लोग अब पीसीएस में फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका यूपीएससी पीसीएस के लेवल जो यूपीएससी है उसको कौन फॉलो कर रहा है, आपका स्टेट पीसीएस जो है यूपी पीसीएस फॉलो कर रहा है। इसी तरह खंड ख जो होता है इसमें विज्ञान पर्यावरण या प्रौद्योगिकी, ठीक, आर्थिक क्षेत्र से या कृषि के क्षेत्र से आपका कोई टॉपिक दिया रहेगा, आप इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो आप जिससे आपकी पकड़ है उसको उठाइए और 700 वर्ड में लिखिए। तो एक ऐसे यहाँ आपको लिखना है, एक ऐसे यहाँ लिखना है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे तीसरा वाला जो है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब ये करेंट से रिलेटेड होता है, करेंट से रिलेटेड प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, जहां पड़ जाए उससे रिलेटेड कोई टॉपिक दे देगा तो आपको क्या करना है, लिखना है उस पर, ठीक। राष्ट्रीय विकास योजना, जो योजना और परियोजना गवर्नमेंट चलाती है, तो किसी योजना के बारे में दे दिया, बोला आप 700 वर्ड में लिखिए, तो आपको इन तीनों में से जो अच्छा लगेगा, जिस पे आपकी पकड़ होगी उसे उठा के 700 वर्ड में लिखना है। तो तीनों खंड से एक एक को उठाकर आपको 700 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया ऐसे वाले बात, 150 वाला, 300 क्वेश्चन हम लोगों ने, 300 मार्क्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं जीएस पेपर वन पे। जीएस पेपर वन क्या है, हमने बात किया था आपको हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जीएस पेपर वन जो आपका होता है इसमें तीन चीज़ें आपकी समाहित है, चार चीज़ें हैं, एक तो आपकी हिस्ट्री है, दूसरी आपकी ज्योग्राफी है, तीसरी सोसाइटी है और चौथी आपकी यूपी हिस्ट्री और यूपी ज्योग्राफी है। ये यूपी आपको कॉमन मिलेगी। अब मैंने बताया ना कि आपका यूपीएससी और यूपी पीसीएस जो आपका है, जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू आपके ये सेम है, क्या चीज़ें अंतर हैं ये ध्यान दो। ये जो पॉइंट फोर जो इसमें डिपिक्ट किया गया है, पॉइंट फोर यूपी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भाई ये यूपी का एग्जाम है इसलिए इस पॉइंट फोर को रख दिया, बाकी आपके जो तीनों पॉइंट है ये यूपीएससी में भी आपको मिलता है, यूपीएससी के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। पैटर्न की अगर हम बात करें अभी एग्जाम में मेंस की, तो अभी इस बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो आईएएस में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, थोड़ा एनालिटिकल पूछता है, ठीक है, उसको दिमाग को थोड़ा आपको घुमाता है कि आप थोड़ा घूम के उसके बाद से इसका आंसर दो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, पूछेगा, क्योंकि जो ट्रेंड ये चल रहा है उसी ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, तो हमें उसी तरह से एनालिटिकल पढ़ाई ही पढ़ना है, ठीक। इसीलिए हम लोग जो शुरुआत आपकी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है, समझ में विकास होगा कि कैसे हम इसको एनालिटिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, समझ गए। तो चलो, जो आपकी ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैंने प्री के लिए बोला कि आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या 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 पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है पूरी की पूरी और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। बच्चे क्या होते हैं, कई बार कहते हैं सर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ मॉडर्न इंडिया, आप जानते हो मॉडर्न इंडिया पढ़ के रुक जाते हैं 1947 तक पढ़ के रुक जाते हैं। तो जब आप पढ़ो तो 1947 तक तो पढ़ो प्री के लिए, तो वो ठीक है, मगर जब मेंस की हम बात करेंगे ना, तो हिस्ट्री में हमें
जो है मॉडर्न इंडिया में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत, वो भी हमें पढ़ना है, मतलब 1965 तक। खासकर जो है आपसे देखा जाता है तो क्वेश्चन पूछता है, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, तो उस समय जब आपके सरदार जो थे पटेल, उन्होंने जब सभी राज्य का गठन किया, एक साथ सबको मिलाया, तो उन वहाँ तक हमें मेनली मेंस के लिए पढ़ना होता है, ठीक। तो ये होता है आपका इंडियन हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में या मॉडर्न भी आ जाता है, एंशियंट भी होता है, मिडिवल भी होता है, सब कुछ होता है। खासकर जब इसके पॉइंट देखोगे, ये मैं पूरा सिलेबस आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ये इतने 3 पॉइंट नहीं लिखा है सिलेबस में, 20 पॉइंट लिखा है, मैं उसे कॉन्साइज में लेकर आया हूँ कि आपको मोटा मोटा बता दूँ। 20 पॉइंट में लिखा है, हिस्ट्री में पूरा लिखा है कि आपको एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक के आर्ट एंड कल्चर जो भी हुआ, जो कि आपकी संस्कृति में थी चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ से आपसे पूछेगा। आर्किटेक्चर क्या था, हमारा कल्चर पुराना क्या था, ठीक है, कौन कौन सी शैलियाँ में हमारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका ज्योग्राफी से शुरू हो जाता है, तो ज्योग्राफी में भी हम जानते हैं, हम तो प्री के लिए भी वर्ल्ड और इंडिया जो दोनों पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी हमें पढ़ना है, तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको यहाँ कवर करना है, ठीक। सोसाइटी के बारे में बात करें, तो जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना, जो आपके ग्रेजुएट में सोशियोलॉजी पढ़े होंगे, तो वो सोसाइटी वाला कर ले जाएंगे कि वुमेन की क्या रोल है सोसाइटी में, उन पर क्या क्या, मतलब उनके रिलेटेड स्कीम्स क्या हैं, और भी पूरा हमारे जो समाज में जो भी चीज़ें विकास हो रही हैं, किस गति से चल रहा है, समाज से रिलेटेड जो भी होता है, कि कोई भी चीज़ समाज पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये सब चीज़ें क्या आपके सोसाइटी पे है, ठीक। ये आपका छोटा सा एक पॉइंट डिपिक्ट किया गया है। उसके बाद से यूपी का अगर हम बात करें, तो पिछली बार जो जो आपका 2018 वाला पेपर था मेंस का, देखो क्वेश्चन जब यूपी दिया है, तो देखो 50% तो यहाँ से है, अब आपका बोला जाए तो 30% क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है यूपी से, बाकी से आपके बाकी रहेगा आपका कितना, 70% और 30% यहाँ से रहेगा। अब यूपी हिस्ट्री से, यूपी ज्योग्राफी से, मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी आपके जितने भी आपके क्या हैं ऐतिहासिक स्थल हैं, जो भी इसके आर्ट एंड कल्चर हैं, जो डांस है, जो आपके यहाँ के नृत्य हैं, मेला है, सब कुछ है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक। आपका उसका पूरा का ज्योग्राफी आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या क्या इसके मतलब क्या, किस टाइप कितने प्रकार के यहाँ सॉयल पाए जाते हैं, यहाँ पे कितने प्रकार के फसल जो हैं उपज होता है, किस किस मामले में ये फसल में तेज है, क्या ऐसी इंडस्ट्री है, सब ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो जब हम ये चीज़ें कवर करते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तभी कहीं ना कहीं हम चीज़ें हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अरे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में तो आ ही जाते हैं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। अवध हमारा जो क्षेत्र था, मेडिवल देख लो, पूरा मॉडर्न देख लो, सिराजुद्दौला देख लो, सूरजुद्दौला देख लो, ये सब लोग क्या हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अवध से ही तो ताल्लुकात रखते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं सब चीज़ों के टच में आ जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यूपी के हिस्ट्री के टच में आ जाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम सब जगह के टच में चले जाते हैं, पूरा इंडिया हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो क्यों, इससे भी तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ खास खास पॉइंट जो होते हैं हमें यहाँ पे जो पढ़ने होते हैं, तो वो हमें यूपी के ही रिलेटेड डाटा से हमें पता चलता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करना है, आप जब ये पढ़ोगे तो ये चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। सेकंड पेपर की बात करते हैं, अब आ जाओ सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर आपका पूरा का पूरा पॉलिटी पे डिपेंड है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं ये उस पर डिपेंड है पूरा का पूरा। उसी की पॉलिटी में आपका अगर फ्री में देखें तो गवर्नेंस नहीं आता है, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, सरकार कैसे चलती है, शासन कैसे चलाता है, ठीक है, चीज़ें वो गवर्नेंस होता है, ठीक। आप पे कैसे कोई गवर्न कर रहा है, वो चीज़ें गवर्नेंस में आती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नेंस आपका एक पॉइंट नया जुड़ जाता है पॉलिटी वाले में, बाकी आपका सब कुछ सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही है, हमारा पॉलिटी वाला पूरा वही है, सोशल एंड जस्टिस आपका आ जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन एक नया टॉपिक जुड़ता है, आईआर जिससे बोलते हैं, इससे मुद्दा आपसे करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अभी अभी आप देखोगे आईआर में क्या चल रहा है, इंडिया चाइना, बहुत दिन इंडिया चाइना रहा है, कुछ दिन तक इंडिया नेपाल रहा, तो ऐसे चीज़ें कि हमारा हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देशों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान से हमारा रिलेशन कैसा है, अफगानिस्तान से रिलेशन कैसा है, बांग्लादेश से क्या है, ठीक है, हमारा जो है चाइना से रिलेशन कैसा है, नेपाल से क्या, उन सब चीज़ों से करंट का डाटा, कुछ प्रीवियस डाटा, उन सब से रिलेटेड यहाँ आपसे आईआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद छठवां नंबर पॉइंट फिर से यूपी पूछ दिया, मतलब यूपी आपका हर इसमें डिपिक्ट किया है। अब ये क्या है, पॉलिटी का सेक्शन है ना पेपर सेकेंड, तो इसमें यूपी से रिलेटेड पॉलिटिकल चीज़ें, मतलब राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, ठीक, और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था, ठीक, कैसा है यूपी का, ये सब हमें पढ़ना होता है। आगे बढ़ें, पेपर थर्ड की बात करें हम, तीसरे पेपर की, तो इसमें हमें आर्थिकी, मतलब पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स जो है इसका होता है, इसमें इकोनॉमिक्स होता है, आपका साइंस टेक होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है, जो जो बचा आपका सब्जेक्ट है, जो जो हम वहाँ देखे हैं, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना होता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ हमें करेंट इकोनॉमिक्स पे भी हमारी पकड़ होनी चाहिए और हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स भी यहाँ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक का रोल आ जाता है, ये ध्यान रखना, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक का रोल आ जाता है। साइंस टेक की बात करें, जो मैंने बताया वहाँ पे आप साइंस पढ़ते हो, तो यहाँ पूरा का पूरा साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी आपका नया अभियान चालू हो रहा है, कोई भी आपका जो है लॉन्च हो रहा है, मिसाइल हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, चाहे कोई उपग्रह लॉन्च हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पूछेगा कि उससे मैं उससे उसको आर्थिकी से भी रिलेट कर देगा और उसको साइंस से भी रिलेट कर देगा, इसका बजट क्या था, इसका प्लान क्या है, कब तक इसे छोड़ा जाएगा, कब तक ये रहेगा, ठीक, इससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं इंडिया को, ये सब चीज़ें आपसे साइंस टेक्नोलॉजी से चीज़ें पूछता है। ठीक, कोई भी नया आपके आ गया साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, उन सब चीज़ों से आपसे पूछ देता है कि आप अपने टर्म्स में बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसका फ्यूचर में कहाँ तक हम व्यापक यूज कर सकते हैं, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन रिलेट करके आपको नैनो टेक्नोलॉजी से पूछेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछ देगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है रोल आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ तक लाभदायक हो सकता है, इसको अपने शब्दों में व्याख्यान कीजिए। ठीक, तो ये इस टाइप के साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बन जाते हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वही चीज़ें यहाँ, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो हम सिलेबस देखें वो चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना होता है। ये सिक्योरिटी क्या है भाई, ये सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी आपका एक लिख के आता है कि हमें यहाँ सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ये सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ये आपका जितने भी आपके क्या है सेना से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो आपके इंटरनेशनल की बात किया जाए, चाहे आपके नेशनल की बात करा जाए, भारत में जैसे स्टेट से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है, लोगों की सुरक्षा जो बोल सकते हो, ठीक, ऐसे ही देश की सुरक्षा सिक्योरिटी, इसमें कई आ जाते हैं, उसमें साइबर से आपका सिक्योरिटी भी आता है, आपके सैनिक सिक्योरिटी भी आते हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाते हैं, आपके सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सबसे बचाना जो गवर्नमेंट जो प्ले करती है रोल, इन सब के बारे में हम सिक्योरिटी में पढ़ते हैं कि कैसे हम भ्रष्टाचार से बचें, आतंकवाद से बचें, ठीक है, माओवादियों से बचें, ये सब चीज़ें क्या हम पढ़ते हैं, सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। डिजास्टर और मैनेजमेंट वाला, ये आपको सीबीएसई वाले बच्चे जो होंगे, वो एक बार आया था नया जो है क्लास 9th में इस सिलेबस आ गया था उनके में कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट अब आपको पढ़ना है। तो इसमें आपदाएँ होती हैं, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, बाढ़ है, सूखा है, ठीक है, सुनामी है, भूकंप है, इन सब के बारे में, उससे क्या आपका नुकसान हुआ, ठीक, उसके लिए क्या आपके रिलीफ गवर्नमेंट ने चलाएं, ये सब चीज़ें हम किसमें देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर उसी के साथ यूपी का भी पार्ट इंक्लूड होता है, तो यूपी में कोई डिजास्टर, यूपी में कोई आपदा से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक्स, मतलब कोई आपकी पॉलिसी लाई गई इकोनॉमिक में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए खास कर ये बनाया गया, मतलब सेंट्रल ने चाहे लॉन्च किया, चाहे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई पॉलिसी लॉन्च की है इकोनॉमिकली, ठीक, उन सब के लिए उसके मेरिट डीमेरिट ये सब बताना आपको, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश का कैसा है, किस किस टाइप की फार्मिंग होती है, इन सब के बारे में बताना, इसका रोल कितना है, इसके आर्थिकी में एग्रीकल्चर का रोल कितना है, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, यहाँ की इंडस्ट्री के बताने में बताना, यहाँ का जो डेवलपमेंट कैसे किस रफ्तार से हो रहा है, ये सब बताना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराना। लॉ एंड ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, तो जब हम सेंट्रल की सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से हम यूपी की सिक्योरिटी पढ़ेंगे, यहाँ कैसे लोगों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करती, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपका जो ये पेपर थर्ड होता है। पेपर फोर्थ की बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा यूपीएससी से ले लिया गया था, इथिक्स, ठीक है,
इथिक्स जो होता है आपका नैतिक शास्त्र होता है, नीति शास्त्र भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आपका फिलोसफी का एक विषय होता है इथिक्स, ठीक। इथिक्स में क्या होता है भाई, आपकी इथिक्स बोलते हैं ना, तुम्हारा इथिक्स क्या है, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये सब चीज़ें, समाज का हमारे प्रति क्या है, लोगों के बड़े बड़े जो फिलोसफर, आप फिलोसफर रहे हैं, उनके जो जो आपके बोला जाए स्टेटमेंट बोल गए हैं समाज के प्रति, कि आपको समाज के प्रति ये चीज़ें करना चाहिए, आप अच्छे पद पे हो, समाज का कल्याण करना चाहिए, जैसे जैसे आप बढ़ो वैसे वैसे अपने समाज को भी बढ़ाओ, इन सब चीज़ों को, आपकी नैतिकता लोगों के लिए क्या है, वो होता है एथिक्स। इंटीग्रिटी, खुद की इंटीग्रिटी, आप कितना ईमानदार हो अपने कर्तव्य के प्रति। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, तो आपकी इंटीग्रिटी क्या है उसमें, आप कितना ऑनेस्ट हो उसको लेकर, आपकी ईमानदारी, ये सब चीज़ें इंटीग्रिटी में आती है। अब प्रशासन से लेके कभी कोई कुछ आ गया, आप पता चले भ्रष्टाचार न बन जाओ, भ्रष्टाचारी न बन जाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पे खासकर इसमें लिखा भी रहता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड इंटीग्रिटी की चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं, ठीक। उसके बाद से आपका एप्टीट्यूड लेवल, एप्टीट्यूड मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो क्या है, कोई समस्या आ गई तो आप कितना हड़बड़ा जा रहे हो, या डिसीजन कैसे ले रहे हो चीज़ों का, तो ये सब चीज़ें एप्टीट्यूड में है, कि आप कैसे सिचुएशन को कैसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, सिचुएशन हैंडलिंग जिसे बोला जाए वो आपका एप्टीट्यूड बताता है। तो ये आपका फोर्थ पेपर में होता है। अगर हम बात कर लें थोड़ा पेपर के पैटर्न की, तो आपका जो मेंस का पेपर आता है, मैं बता दूं, तो जो मैंने आपको बात किया जीएस पेपर वन की, जो जीएस पेपर वन होता है ना, ये आपके दो सेक्शन में होता है पेपर, जब आपको मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। दोनों सेक्शन में आपके मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन आपको करना होता है, ये भी ध्यान रखो। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 125 वर्ड होती है, ये ध्यान रखना। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपकी वर्ड लिमिट जो होती है आपकी 200 वर्ड होती है। तो ये भी सब चीज़ें हमें ध्यान में रखकर मेंस की राइटिंग करना होता है। तो जब आपको आंसर राइटिंग यहाँ से कराया जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें भी आपको बताया जाएगा कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो अपने एक्सप्रेशन को जो है बताने के चक्कर में, तो आप बहुत कम में चीज़ों में सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जाता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी जब आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। तो ये आपका 125 वर्ड में ही समझ लो क्वेश्चन जो बोलता है उसमें आपको पूरा का, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं, बोलता है तुर्क इन्वेजन का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, समझ रहे हो। तो वैसे देखा जाए तो इसको लिखने में यार बहुत कुछ है, लिख सकते हैं हम, लेकिन जब 125 वर्ड में आपसे पूछा था तो क्या लिखोगे यार 125 वर्ड में, तो हमें पूरा उसे पढ़ना है पहले अच्छे से, उसे कॉन्साइज वे में, कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट बहुत इफेक्ट डाल सकता है एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय, ठीक। उस पॉइंट को पॉइंट वाइज करके हमें, और रिलेट करके एक दूसरे से लिख के हमें 125 वर्ड पूरा करना है। तो ये आपका हो गया 125 और ये 200। ये 125 वाले 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो 80 मार्क्स हो गए हैं यहाँ पे, 10 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 8 मार्क्स का ईच होता है, और ये आपका 10 मार्क्स का होता है 200 वर्ड वाला, नहीं 10 नहीं है सॉरी, ये 12 मार्क्स का होता है, तो 12 10 120 हो गया ये, और 80 ये, तो मतलब 200 मार्क्स का ही टोटल पेपर होता है। तो ये मैं पेपर का आपका बता दिया कि सेक्शन में, दो सेक्शन में डिवाइड होता है, 10 क्वेश्चन इसके 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, 8 मार्क्स का ये होता है आपका, और 12 मार्क्स का 200 वर्ड वाला होता है। वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है, इतने वर्ड में हमें पूरा का पूरा अपना सिचुएशन जो है बता देना है एग्जामिनर को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा, वो सभी में लागू होता है, पेपर वन टू पेपर टू जितने हैं जीएस पेपर फोर तक, वो पूरे के पूरे उसी पैटर्न पे काम होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अब हम थोड़ा ऑप्शनल की बात कर लें, जो आपका वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, आपका जिसमें रुचि है आप वो सब्जेक्ट लो, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मैं बता दूं, दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, आपके पेपर वन होगा, पहले आपके यही दो सब आपके ऑप्शनल चूज करने होते थे, लेकिन अब एक ही चूज करना है, उसके दो पेपर होते हैं। पेपर वन ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर टू, इसमें मैं बात कर लूँ थोड़ा पेपर के और डिटेल में खोल दूँ पेपर को, तो जो आपके जो पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, तो जो आपका पेपर वन होता है ये भी आपके क्या होते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है।
आप लोग जान लो ताकि आपको पता रहे कि किसका कितना वेटेज होता है। और इसमें साफ साफ बोलता है कि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन होता है, दोनों में ऐसे ही रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन रहता है और 8 क्वेश्चन में से आपसे बोलता है कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने होते हैं इसमें? ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस 5 क्वेश्चन में से, ठीक है, ये बोलता है दो सेक्शन में है, 8 क्वेश्चन होता है, तो वो कहता है कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको ये बोला जाता है कि एट लीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से करना है, ईच सेक्शन से करना है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन ईच सेक्शन से करना है, ठीक है। मतलब चार चार क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के। जैसे मैं बताऊं एक पेपर का फॉर्मेट, तो सेक्शन ए है मान लो ये, अब क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ लिखा है, इसके 3 रहेंगे, इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, मतलब टोटल हो जाता है 30, 10, 40, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल वही सब्जेक्ट चूज करना जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सको, ठीक है। बाकी सब में तो आपका जनरल सब का मार्किंग वही आएगा, लेकिन अगर आप, जैसे इस बार बोला जा रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि जो इस बार ऑप्शनल हुआ है, मेरे ख्याल में हो सकता है ऐसा हुआ है शायद कि जो आपके मार्क्स मिले हैं, ठीक है, इस बार स्केलिंग नहीं हुआ। हर बार क्या होता था, स्केलिंग होता था। जैसे कुछ बच्चे मैथ सब्जेक्ट के हैं, मतलब साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वो जो लिखेंगे, जैसे मैथ्स ले लिया मैंने ऑप्शनल में, उसमें मैंने जो जो लिखा वो एक सटीक लिखूंगा, तो उसमें हमें जो भी आंसर हमारा करेक्ट आएगा तो हमें मार्क्स फुल मिलेगा। लेकिन कोई हिस्ट्री वाला विषय वाला बंदा है, कोई ज्योग्राफी वाला बंदा है, वो जब लिखेगा तो उसे मार्क्स उतने 100 में 100 नहीं मिल सकते। ये आप लोग जानते हो कि लिटरेचर और ऐसे सब्जेक्टों में हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो स्केलिंग नहीं होगा, तो यहाँ नुकसान हो जाता है। इसी तर्ज पे कई बच्चों ने कंप्लेन भी किया है, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, आयोग ने स्केलिंग इस बार नहीं किया है, जिसके तहत ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे जो साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट ले लिए थे, चाहे जो ऐसा सब्जेक्ट ले लिए थे जिनमें जो आपके नंबर बोला जाए कम होते। नहीं, ऐसा नहीं है कि और बच्चों का नहीं हुआ है, हुआ है, हिस्ट्री वालों का भी हुआ है, फिलोसफी वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, सबका हुआ है, लेकिन बच्चों की ये बोल रहे धारणा है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आयोग ने साफ नहीं किया है, तो आयोग से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि बताइए कि क्या आपने स्केलिंग किया है या नहीं किया है। वो तो अब जब मार्क्स फाइनल आएगा तब पता चलेगा कि स्केलिंग हुई है या नहीं हुई है आपकी, ठीक। तो ये ध्यान रखो कि ये आपके क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में मतलब 40 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे रहेगा, तो इसमें आपके 3 और 4 क्वेश्चन ये हो गए, ऐसे ही आपका सेक्शन बी में रहेगा, ऐसे ही आपका सेक्शन बी में आपके 1 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो ये तीनों आपके करने होते थे, आपको इनमें से चूज करना है कि एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको उठाना है। इसका मतलब एक नंबर उठाए तो ये 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, और 2 भी उठा लिए तो इसके भी 3 जो पार्ट होंगे उसके भी आपको आंसर देने होंगे, ठीक। तो वो बोला ईच सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, तो ये मतलब 2 इससे करना है आपको, 2 इससे करना है, और ये भी बोला है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दोनों से अगर करोगे तो 2, 2, 4 ही क्वेश्चन तो हुए, तो यही नहीं करके छोड़ के चले आना 4 क्वेश्चन पे ही। लिखा है 5 क्वेश्चन जरूरी है करना आपको, तो एक क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का आप उठा के उसे भी करना आपको है 100%। तो ये आपका हो गया मेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा, कि कैसे आपका ऑप्शनल होता है, क्या क्या होता है, ठीक। पहले आपका मैंने बताया कि अभी जो आयोग स्पष्टीकरण करेगा कि स्केलिंग के बारे में, कि 2018 वाले में उसने स्केलिंग किया है कि नहीं, मगर 2017 में उसने स्केलिंग किया था। स्केलिंग करना जरूरी हो जाता है, कि जैसे आपके सब्जेक्ट मैथ वाले हुए, ठीक है, इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स कोई बंदा लेके कर रहा है तो उसमें मार्क्स अच्छे उठ जाते हैं मेंस ऑप्शनल में, और जब ऑप्शनल में आप अच्छे मार्क्स उठा ले जाओगे, 400 का तो मार्क्स होता है ना पूरा ऑप्शनल, अगर इसमें 350 पार हो गए हो तब तो यार अच्छा खासा मार्क्स हो गया, उधर चाहे तुम्हारे कितने भी कम आए हो आपका सिलेक्शन अच्छा खासा सिक्योर हो गया। लेकिन जो बच्चे आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लेके अगर आप मेंस लिख रहे हैं, तो उनको वो जानते हैं कि हमें कुछ भी हम लिख लें हमें फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलता है, तो वो स्केलिंग की जाती है कि दोनों को बराबर कर लिया जाए रख के। तो इसके चलते क्या होता है, कुछ बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा हो जाते हैं,
तो ये फंडा इस बार बोला जा रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि आयोग ने नहीं किया, जिसके कारण जो है कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कई बोल रहे हैं कि इस बार इंग्लिश मीडियम का वर्चस्व रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप जब अच्छे से आप हर चीज़ों को अच्छे से, हिंदी मीडियम वाले भी हुए हैं, कई लोगों का मैसेज आया हिंदी मीडियम में जो करते थे, चाहे उनका सब्जेक्ट अलग था, फिलोसफी था, हिस्ट्री था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मेनली होता है कि हम लिख क्या रहे हैं, कंटेंट क्या दे रहे हैं मेंस में। मेन होता है मेंस की मार्किंग। मैंने बोला ना इंटरव्यू से नहीं, इंटरव्यू देने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो उनको लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू से कोई दिक्कत, इंटरव्यू से दिक्कत नहीं है आपका, दिक्कत कहाँ से है, आपका मेंस है। अगर मेंस के 1500 मार्क्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर ले गए हो, तो आपका चांसेस बनता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे फाइनली। इंटरव्यू का मैंने पहले ही बता दिया रोल नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा कि हमें तैयारी कैसे कैसे करनी है, हमें पढ़ाई किस किस पर फोकस होना है, क्योंकि हमारे जीएस के 4 सब्जेक्ट हैं। हम सब्जेक्ट ऐसा उठाएं जो हमारा, हम जो ऑप्शनल भी ऐसा उठाएं, ऐसा नहीं कि हम अलग उठा लें। जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, चलो ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, अगर उस पर आप पहले से मेहनत किए हो, तब तो आपके लिए ठीक है, आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट उठा लो। ये मेरा व्यू है एक तरह से, आप लोग समझिएगा, तब तो आप ठीक है, आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट उठा लो। बाकी इनमें आपको मतलब ऑप्शनल में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनमें मेहनत कर लोगे तो। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और उसको भी उसी पे छोड़ दियो हालत में कि हाँ यार उसमें भी नहीं आपका कुछ पकड़ है और इसमें भी वही हालत है, प्रस्त हो दोनों तरफ से, तो अगर आप सोचते हो कि मैं इंजीनियरिंग उठाऊं, तो मेरी राय है कि आप उस समय इंजीनियरिंग ना उठाओ। आप उन सब्जेक्ट को उठाओ जो आपके ऑप्शनल में, कि जो आपका आपका जीएस का पेपर, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पेपर है, उनमें से किसी एक को अच्छे से कवर कर ले। तो आपके 400 के साथ 200 और जुड़ जाएगा, मतलब 600 मार्क्स में आप अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जाएगा टीम के द्वारा। ये मैंने आपको इसीलिए पहले सिलेबस बता दिया कि आप लोग सिलेबस को पूरे डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, एक एक चीज़ देख लेना कि सिलेबस में क्या क्या प्रिडिक्ट किया गया है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं आपको, क्वेश्चन भी कहीं कहीं एग्जाम्पल लेके बता दिया कि मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब तो आपके सिलेबस के बारे में रहा। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा टीम के द्वारा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ से, मान लो जैसे मैंने आज सिलेबस बताया, तो आपको अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। वो आपका नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, चल रहा है, तो उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे जो है जानकारी ले सकते हो कि सर इसके और भी क्या क्या, जो भी आपके मन में चीज़ों से रिलेटेड डाउट हो, चाहे पोस्ट से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कि आप लोग एकदम नए हो, स्टूडेंट हो, आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इन सब चीज़ों से, तो आप हमसे पूछ सकते हो। उस पर भी हम आपको वीडियो बना के चाहे आपके कमेंट के माध्यम से दे देंगे। तो ये तो हमारा रहा सिलेबस के बारे में। ऐसे ही आपको वीडियो जो है अब मिलने लगेंगी, हमारे जो आपका कोर्स हमारा फाउंडेशन वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो जो बच्चे इसे देख रहे हैं और नया हैं, और वो उनका जो ड्रीम है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि बैच आपका जल्दी से जल्दी आपके सामने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलते हैं अगले सेशन में।